बहुत सारे व्यूवर्स अक्सर हमसे कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर मेरे YTA स्टूडियो में $150 हो गया लेकिन अभी तक गूगल एडसेंस में $150 शो नहीं हो रहा, $50 हो रहा है, या फिर अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए और अभी तक यहाँ पे YTA स्टूडियो में तो जितने भी शो हो रहे हैं वो गूगल एडसेंस में शो ही नहीं हो रहे हैं। तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, जानना चाहते तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम कमाल फारूक है, टेक्निकल फारूक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नॉट फेक ओनली टेक। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देंगे और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो करके और हेलो हाय कह सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों सारा मामला समझने के लिए ना सबसे पहले जो गूगल एडसेंस का साइक्लिंग सिस्टम है, YTA स्टूडियो का साइक्लिंग सिस्टम है, उसको समझा जाए। जब आप इसको समझ लेंगे ना तो आपकी हेडेक, आपका टेंशन रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि कोई भी गूगल एडसेंस में पेमेंट होती है तो वो आपको हर महीने की होती है, ना कि 28 दिन की होती है। YTA स्टूडियो में जो भी आपको रेवेन्यू देखने को मिलता है वो 28 दिन का मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि आज जो है, आप मान के चलिए कि 24 दिसंबर है, तो 24 दिसंबर है तो पिछले नवंबर से, 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक का आपको अगर 28-29 दिन हो रहा तो बस वही शो होगा आपको YTA स्टूडियो में। लेकिन जो गूगल एडसेंस में पेमेंट शो होता है, पेमेंट ऐड होता है, वो होता है एक महीने का। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूँ, बता दूँ कि मान के चलिए कि नवंबर में हमारे $50 बने और दिसंबर में हमारे $125 हो गए। नवंबर में आपके $50 बने, $60 बने, $70 बने, $80 बने, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका कितना रेवेन्यू आ रहा है, बन रहा है। तो मान के चलिए कि नवंबर में $90 बना और दिसंबर में जैसे ही शुरू हुआ तो दिसंबर में आपके $125 हो गए, $150 हो गए। तो उस पीरियड में YTA स्टूडियो में जब आप चेक कीजिएगा तो आपके $150 शो होंगे, $200 शो होंगे। लेकिन जब गूगल एडसेंस में ऐड होने की बात आएगी तो नवंबर महीने में जितना रेवेन्यू आपका बना है, $80, $90 जितना भी बना है, बस वही गूगल एडसेंस में ऐड होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जैसे $80, $90 होगा तो वो वहाँ पे गूगल एडसेंस में 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक आपके गूगल एडसेंस में शो होना शुरू कर देता है। अब रही बात कि ये तो 7 तारीख से 12 तारीख तक हर महीने के ऐड होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद पैसा आता कैसे है, यहाँ पे क्लियर मैं बता दूं कि जब आपका 7 तारीख से 12 तारीख तक आपका $80-$90 शो हुआ तो बाकी के जो पैसे हैं वो कब ऐड होंगे। जैसे मान के चले कि $150 हो गए, $125, $150 हो गए, तो वो पैसा कब ऐड होगा, तो नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ आपका जो सारा पैसा है $150, $200, $300 जितने भी बनेंगे वो अब अगले मंथ 7 तारीख से 12 तारीख के अंदर ऐड हो जाएंगे। पहले मंथ में आपके $80-$90 ऐड हुए और दूसरे महीने में आपके जितने भी YTA स्टूडियो में शो होंगे ना महीने के, दो महीने के, वो सारे ऐड होंगे 7 तारीख से 12 तारीख तक। ऐड होने के बाद से वहाँ पे शो होने लगेंगे कि आपके पैसे गूगल एडसेंस में ऐड हो चुके हैं। अब रही बात कि पेमेंट गूगल एडसेंस से कब ट्रांसफ़र होते हैं बैंक में, तो इसके बारे में भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर महीने के 21 तारीख से 26 तारीख तक आपके पेमेंट जो है ना गूगल एडसेंस से रिलीज़ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 21 तारीख से 26 तारीख तक, वो किसी भी महीने का हो सकता है, यानी कि हर महीने के 21 से 26 तारीख तक आपका पेमेंट रिलीज़ हो जाता है बैंक अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, बैंक अकाउंट में ऐड होने का मतलब भी एक बनता है कि जब वहाँ पे 00 जब शो हो जाएगा ना तो इसका मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट में वो पैसा छोड़ दिया गया है, अब बैंक अकाउंट जब चाहे तब आपको भेज दे। अब यहाँ पे भेजने के प्रक्रिया में क्या क्या अड़ंगा आता है, क्यों लेट हो जाता है, वो भी मैं समझा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक पेमेंट नहीं आया, 00 हो गया है गूगल एडसेंस में, तो यहाँ पे अब होता क्या है, लॉजिक क्या है, तो बैंक कहता है कि जब मेरे पास आएगा, अगर हॉलीडे नहीं पड़ा, संडे नहीं पड़ा, या फिर बैंक हड़ताल नहीं रहा, बैंक क्लोज नहीं रहा, उस पीरियड में आपका पेमेंट 21 से 26 तारीख तक बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। लेकिन इन केस अगर 10 दिन का बैंक हड़ताल हो गया, 4 दिन का कोई हॉलीडे हो गया, या फिर मान के चलिए कि कोई पर्व त्यौहार पड़ गया, तो इस तरीके में आपका पेमेंट 4-5 दिन और लेट हो सकता है। तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यूट्यूब में, गूगल एडसेंस में आपका पैसा पूरा होगा, वो फॉरवर्ड करेगा बैंक को, और बैंक जो है जैसे हॉलीडे ख़त्म होगा तो वो फॉरवर्ड कर देगा आपके बैंक अकाउंट में। तो बस यही एक छोटा सा मामला था
इसको अगर आप समझ लिए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरे साथ तो 10-10 दिन बाद, 15-15 दिन बाद भी पैसा आया है, तो आप इसे बेफिक्र रहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो गूगल एडसेंस अकाउंट के ऊपर ही आपका सारा इन्फॉर्मेशन, पेमेंट होल्ड क्यों किया गया, क्या दिक्कत थी, वो आ जाएगा मैसेज या फिर ईमेल भी आ जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।